अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान एहसान इकबाल। आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं और जैसा कि हम पूरी फार्म्स पे मौजूद हैं और इनका शौक़ जो है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आज से पहले हमने 4 से 5 प्रोग्राम्स किए जिसमें करम घोड़ा दिखाया, उसकी ब्रीड दिखाई गई और जो ब्रीड जिस घोड़ी से ली गई वो भी हमने आपको दिखाई, जो कि इस फार्म की पहली घोड़ी थी और वहाँ से ही मोहसिन साहब का जो है वो शौक़ परवान चढ़ा और माशाल्लाह से आज जो ब्रीड इनके पास मौजूद है वो पाकिस्तान में कहीं और मौजूद नहीं है और इनकी स्टैम्प भी है माशाल्लाह से। मोहसिन साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में अगेन वेलकम करते हैं और आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले हमें ये बताएँ कि जो अब घोड़ा हम दिखाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम जग सिंघार है जी। जग सिंघार, हाँ जी। जैसे आपने पहले घोड़ों के माशाल्लाह से नाम बताए हमें, जग सिंघार के पीछे क्या हिस्ट्री है? ये जग सिंघार ना जी, नाम जो है वो जिनसे हमने खरीदा हुआ ना, ये पहले एक इस घोड़े का नाम उन्होंने जग सिंघार रखा हुआ था। ये पहले से रखा हुआ था? पहले से रखा हुआ था, तो मुझे चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि इससे ज्यादा खूबसूरत नाम इस पे और कोई सूट नहीं किया मुझे लगा इसलिए। और मेरे ख्याल से इस फार्म में ये पहला घोड़ा है जिसका नाम पहले लोगों ने रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही लेकर आए, बिल्कुल ऐसे। जो जितने भी यहाँ पर घोड़े हैं उन सब के नाम आपने खुद ही रखे हैं? कोई भी घोड़ा ऐसा नहीं जिसका नाम पीछे से? एहसान साहब, ये ना फेमस हॉर्स था जी, ये खुद से फेमस था बहुत, अपने वक्त का बड़ा नामी और अच्छा घोड़ा था। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। इसको इशू ये बना कि घोड़ा बीमार हो गया बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, तो फिर जिस बंदे का था उसने बहुत शौक से मोहब्बत से रखा हुआ था तो बस मजबूरन उसको सेल करना पड़ा कि उसके जैसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, उससे इलाज वो पहुँच नहीं रहा था, एंड हो गया था। एंड हो गया था। तो फिर मैंने देखा, मुझे जो अपने माइंड के अंदर जो मैंने फीचर्स रखे हुए हैं कि ब्रीडर हॉर्स के, तो इस पे पूरे थे, मुझे पसंद था। अच्छा, तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने उनसे जाके ये घोड़ा खरीद दिया माशाल्लाह। और मौसी साहब, टेंट पैकिंग के वाले से भी माशाल्लाह से इस घोड़े का बड़ा नाम है। हाँ जी। तो जब ये मैदान में माशाल्लाह खूबसूरत घोड़ा उतरता है तो लोगों के क्या तासरात होते हैं, क्या कमेंट्स पहुँचते हैं आप तक? ये ना जी, ये घोड़ा उस वक्त जिस वक्त ग्राउंडों में जाता था ना, उस वक्त भी एज अ शो हॉर्स के तौर पर जाता था, परफॉर्मर के तौर पर नहीं जाता था। और इसका जो फीचर्स हैं, जैसे जिसमें बॉडी स्ट्रक्चर है, आँखें हैं, उसकी एक जो नथने हैं और जो इसका पूरा जो एक फेस के कट्स हैं जी, ये एक ब्रीडर घोड़े पे पूरे जैसे उस पर उतरते हैं। और बॉडी स्टाइल जो इसकी गर्दन का स्टाइल था, और ऑल एक और प्लस पॉइंट भी इसमें जो बाकी घोड़ों की तरह जो ब्रीडर के अंदर होनी चाहिए, जो एक चाल थी घोड़े के अंदर वो जो नेचुरल एक है वो इसके अंदर है। इसकी इस वक्त कितनी एज है? ये 14-15 साल इसकी एज होगी जी। 14-15 साल होगी। तो जब आपके पास आया था तभी? मेरे पास 2 साल पहले आया जी। दो साल पहले आया जी। तो अभी आप इसको टेंट पैक के लिए यूज़ कर रहे हैं या सिर्फ ब्रीड ले रहे हैं? नहीं जी, मैंने इसका पूरा 2 साल हो गए जी इसका इलाज किया जी, अल्लाह का शुक्र है। या जो कहते हैं ना कि अपने पैरों पर खड़ा हो गया, ये है कि बेहतर है माशाल्लाह, बहुत सेहतमंद है। अब उसमें ये है कि हम इसको अब यूज़ कर रहे हैं जी एज आ, मैंने इसको ये वहाँ ग्राउंडों में तो नहीं जा सकेगा, लेकिन ये है कि इसको हम एज अ ब्रीडिंग एज अ ब्रीडर हॉर्स इसको यूज़ करेंगे। मौसम, जैसे कि पहले जो घोड़े हैं, मतलब कि आपने बताया कि ये हमने फलान जगह से ख़रीदा, इसकी ब्लड लाइन ये है, इसके बाप का नाम ये है, इसकी ब्लड लाइन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको? नहीं, देखें, मैंने एहसान साहब आपको पहले ही बताया कि देखें ना, जो है ना जो फीचर्स वाला हॉर्स, फीचर्स खुद एक जुबान है। बिल्कुल, फीचर्स आपको आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जी, अगर आपके पास निगाह है, आप समझ सकते हैं, तो एक घोड़े के जो फीचर्स हैं वो आपको बता देते हैं कि ये ब्रीडर और नस्ली और हर क्वालिटी इसके अंदर है या नहीं। जी जी, बिल्कुल। ये आपके अपनी निगाह है, एक इंसान के पास अल्लाह ने एक निगाह हर इंसान को दी हुई है, उसमें जो जिसके पास निगाह है ना, वो इस तरीके से इसको, हाँ जी, वो ढूंढ सकता है उसमें। इसकी नेक्स्ट ब्रीड ले रहे हैं अभी? जी, मैंने अभी इसको ब्रीडिंग इसकी करानी शुरू की है जी, अब इसको हम ब्रीड करवा रहे हैं जी। लेकिन अभी आपके पास इसकी ब्रीड आई नहीं? मेरे पास इसका जी एक बच्चा आया जी अभी, ठीक है, और एक मेरे पास पहले था वो मैंने सेल कर दिया जी, ठीक है। एक और बच्चा अभी मेरे पास तकरीबन 2 महीने का है जी। अभी जो कायनात घोड़ी है माशाल्लाह आपके पास, जो मेन घोड़ी है कायनात, उसके साथ इसकी कोई ब्रीड ली है या अभी वो सिर्फ करम और दूसरे घोड़ों के साथ ही है? नहीं, उसके साथ इसका मैच नहीं बनता जी।
उस घोड़ी के फीचर्स के मुताबिक इसका उस तक मैच नहीं बनता। अच्छा, जो अभी आपने घोड़ी मतलब कि क्रॉस कराई वो भी नुकरे रंग की है? जो मेरे पास ही, हाँ जी, नुकरी हैं, 6-7 नुकरी हैं जी, मैंने वो भी क्रॉस कराई हैं। अच्छा। और जिस घोड़ी के साथ इसका मैच बनता है ना जी, मैं वो इसके साथ क्रॉस करा रहा हूँ। मेरे पास वो तरीका नहीं है कि हर घोड़ी के ऊपर एक घोड़ा क्रॉस करा दो, वो चीज़ नहीं है। तो इसकी मौसम साहब, आपको तो ब्रीड के वाले से माशाल्लाह से बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसके क्या रिजल्ट्स आए हैं जब इसने इसको आपने ब्रीड करवाया घोड़ी? अभी मेरे पास ना जी इसके वैसे लोग, जब पहले जो बाहर लोगों के पास इसके बच्चे थे जिनके पास पहले था, उन्होंने ब्रीड कराया था, लेकिन उन्होंने सोच समझ के ब्रीड नहीं कराया हुआ। जैसे एक आम अवेलेबल घोड़ा होता है, वो अवेलेबल घोड़ा है तो वो जो किसके पास जैसी भी घोड़ी है उन्होंने उसने क्रॉस करा लिया, तो उसमें आप रिजल्ट पे पूरी आप ऑथेंटिक उसकी कोई बात नहीं है, या आप कॉन्फिडेंस से कोई बात नहीं कर सकते कि इसके ब्रीडिंग के रिजल्ट्स जो हैं वो जैसे आने चाहिए थे वैसे थे या नहीं। अब हम इंशाल्लाह इसको अपने तौर पे अपने तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि वो जैसे मेरी सोच है, मेरा जेन है, इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे इसके बच्चे आएंगे। मौसम साहब, जो इसका बच्चा है अभी आपके पास, हाँ है, उसके फीचर्स आपको कैसे लगते हैं? बहुत खूबसूरत है जी, वो मैंने करम की बच्ची है जी घोड़ी, जिसके ऊपर इसको क्रॉस कराया जी, और जो नफास्तें उसकी बच्ची के अंदर थीं और जो इसके फीचर्स थे जैसे मैं चाह रहा था अल्लाह के हुक्म से, वो वैसा ही है जी। अच्छा, अभी वो 2 महीने का है जी बच्चा बिल्कुल। जो तो, नाम मौसम रखते हैं नाम घोड़ों के, बच्चा जब पैदा होता है उसी वक्त से सोचना शुरू कर देते हैं या आपने कोई लिस्ट बना रखी है नामों की, फिर उसमें से ढूंढ ढूंढ के सजेस्ट करते हैं कि जी ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है जी लिस्ट। अच्छा। मुझे जो अच्छा नाम लगता है मैं वो अपने पास नोट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर जैसा आगे से मुझे रिजल्ट अल्लाह की ज़ात देती है, जो मिलता है बच्चा तो वो फिर उस हिसाब से मैं उसको फिर जैसा जो सूट करता है उसके ऊपर वो रख देता हूँ। वाह जी वाह। मीजो नाज़रीन, ये आप जो घोड़ा देख रहे हैं ये जग संघार है, और माशाल्लाह से इसका नाम ही जो है वो इसकी तमाम तर जो खूबियां हैं, खसूसियात हैं, उनको कवर कर रहा है। जैसे कि पहले एक प्रोग्राम में मैंने मोहसिन साहब से पूछा था कि मोहसिन साहब इसकी नाम रखने की वजह क्या है, तो उन्होंने कहा था कि अगर तो आप में इस नाम के मुताबिक चीज़ें नज़र नहीं आ रही आपको तो फिर बताएँ, अगर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं इस नाम के मुताबिक तो फिर आपको खुद ही समझ आ जानी चाहिए कि ये नाम क्यों रखा गया है। और ये तमाम जितने भी घोड़े हैं, इन घोड़ों में तमाम घोड़ों के जितने भी नाम रखेंगे हैं, इनके पीछे एक प्रॉपर जो है वो वजाहत है जो मौसम साहब ने हमारे साथ शेयर की। अब एक और घोड़ा भी यहाँ पर मौजूद है जो कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत घोड़ा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। मौसम साहब, नेक्स्ट कौन सा घोड़ा हम दिखाने जा रहे हैं? नेक्स्ट है जी घोड़ा मैंने अभी खरीदा, तकरीबन 4-1 महीने हुए हैं जी, 4-5 माह हुए हैं। हीरा नाम है जी मैंने उसका रखा जी, हीरा। मैंने ना जी जो ये आपको घोड़े जग सिंघार हो गया, अभी जो मैं आपको हीरा दिखा रहा हूँ, ये मैंने घोड़े बाहर से ऐड किए हैं अपने शौक के अंदर जी। इस वजह से कि क्योंकि ये मुझे आप ये कह लें कि मेरे जो अपने जो नेक्स्ट ब्रीड मैं बनाना चाहता हूँ ना जी, उसमें मुझे वो ये काम आएंगे जी जी। मतलब ये जो अभी जग सिंघार दिखाया और जो आगे नेक्स्ट हीरा घोड़ा जा रहा है, ये दोनों आपने बाहर से खरीदे हैं ब्रीड के लिए? ब्रीड के लिए। और वो जो चीज़ें आपने उनमें नोट की हैं, मतलब पॉइंट्स नोट किए हैं, वो अब नाज़रीन को आप बताएंगे कि इसमें जो हीरा जो घोड़ा है माशाल्लाह से, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपने देखे और फिर कैसे आप वहाँ तक पहुँचे और कैसे उसको परचेज किए? आप ये गारंटी है जी, ये मुझे जो मैंने इतनी देर हो गई है, मुझे जी 20 साल हो गए हैं ज़रा प्रैक्टिकल शौक करते हुए, तो मैंने इतनी हाइट का बड़ा घोड़ा नुकरा मैंने आज तक नहीं देखा। तो मुझे ये है कि मुझे जो हाइटेड घोड़ों का शौक़ है उसमें ये बिल्कुल पूरा उतरता है और बड़ी अच्छी ब्लड लाइन के साथ ये ताल्लुक़ रखता है। और इसके जो मतलब ये चूँकि अभी बहुत ज़्यादा वीक हुआ है, मैंने अभी लिया है तो इसको इतनी हालत इसकी इतनी अच्छी नहीं थी, अब हमारे यहाँ आया इंशाल्लाह ताला इसकी हम ग्रूमिंग शूमिंग करेंगे बेहतर हो जाएगा। तो ये हमारे जो आगे ब्रीडिंग के लिए ये परफेक्ट है मेरे आगे, ये करम के बच्चों के लिए और आलीशान के बच्चों के लिए मुझे इसमें परफेक्शन लगी है, तो मैंने इसलिए हमने इसको परचेज़ किया। बिल्कुल नाज़रीन, माशाल्लाह से इसके फीचर्स आप चेक कर सकते हैं इस घोड़े के, इसके कानों की नोकों से लेकर इसके सूंड तक, इसकी जातें, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, इसके तमाम फीचर्स काबिल दीद हैं। और माशाल्लाह से
जैसा कि मोहसिन साहब ने बताया कि आइंदा आने वाले नेक्स्ट जो मतलब के दो साल तक इनको ये ब्रीड की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले से उन्होंने प्लानिंग कर रखी है कि जब तक हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब तक वो तमाम रिक्वायरमेंट्स, घोड़ी कौन सी होगी, घोड़ा कौन सा होगा, उसके बाद फिर जब वो ब्रीड आएगी तो उसमें वो तमाम स्पेसिफिकेशन आएंगी जो उन्होंने एक स्केल, एक पैमाना बना रखा है इस फार्म को चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी इनके पास ब्रीड है उसके तमाम का एक पैमाना फिक्स है कि उनमें ये क्वालिटीज, ये खसूसियात, इनकी इतनी हाइट और ये तमाम चीज़ें पूरी होनी चाहिए। इसकी हाइट का आप ये देखें कि मेरे पास करम और आलीशान से ये बड़ा है। अच्छा, ये हाइट के अंदर करम और आलीशान से भी बड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ी इसके लिए एक बड़ी, ये बड़ी इसमें एक मुनफरद चीज़ है कि ये हाइट जो इसकी इतनी है ये उन दोनों गुणों से बड़ा है। हालांकि आलीशान की माशाल्लाह बहुत, ये उससे भी बड़ा है और इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो आप ये देखें कि एग्जैक्ट जैसे एक रॉयल हॉर्सेज होते हैं ना, ये वैसा है, वो वैसा ही, जैसे मेरे करम आलीशान है ये वैसा ही। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो नाज़रीन, ये करम और आलीशान जो घोड़ा हमने पहले दो प्रोग्राम्स हमने आपको दिखाए हैं, वो उन घोड़ों की हाइट अगर आप देखें तो मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि मेरी हाइट 6.2 है, तो अगर मैं साथ खड़ा होता हूँ तो मेरे से माशाल्लाह वो डबल घोड़ा है, तो उससे भी मोहसिन साहब कह रहे हैं कि इसकी हाइट ज़्यादा है। तो ये ब्रीड के लिए मोहसिन साहब ने इसको परचेज़ किया है और माशाल्लाह से हमें बहुत उम्मीद है, 100% श्योर है हम कि इसकी जो ब्रीड है माशाल्लाह से वो भी नायाब होगी और बहुत खूबसूरत होगी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आए होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि शौक़ जो है वो आप तक पहुँचता रहे। बिलाशुबा पाकिस्तान में आज से पहले यूट्यूब पर किसी ने आपको इस तरह से शौक़ को एक्सप्लोर नहीं किया होगा, एक एक घोड़े को एक्सप्लोर नहीं किया होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को दिखाएं और पाकिस्तानी जो इतना माशाल्लाह खूबसूरत शौक कर रहे हैं पूरी दुनिया में उनको देखा जाए और पाकिस्तानी जो ब्रीड है उसको भी देखा जाए। पाकिस्तानी ब्रीड नाज़रीन, देसी ब्रीड किसी से कम नहीं है। तब तक के लिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।